हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुक्ला टेक। टुडे आई डिस्कस अबाउट कि आप अपने जियो सिम अगर आपका है तो आप उसे 5G स्पीड की तरह कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी खास सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको कुछ सेटिंग पता चलेगी और आपकी फ़ोन 5G की स्पीड की तरह जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपना सेटिंग ओपन कर लेना। ओके, सेटिंग ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद इसी पर आपको देन क्लिक कर देना। ओके, फिर जैसे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सिम वन में लगाएं तो ठीक है, सिम टू में आपको जिस चीज़ का सेट कराएं, जैसे सिम वन में मैं बताता हूँ। इधर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। मेरा रियलमी 6 का स्मार्टफोन है, तो आप में थोड़ी थोड़ी सेटिंग्स भी चेंजेस हो सकती हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर इधर इनेबल है सिम कार्ड नेम में, जो है आप जो है सिम कार्ड नेम में यहाँ पर जो है जो सिम वन लिखा है उसको आपको कट कर देना। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका लिखा हो तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको जियो, ओके जियो, फिर गैप करके X95, फिर गैप करके आपको V2, इसको टाइप जो है V2 बड़े कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना। ओके, कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना है। इधर आपने इसको GUX95V कैपिटल लेटर में करने के बाद, इधर एक बाई डिफॉल्ट मिस्टेक और हुआ कि यहाँ पर X को भी कैपिटल लेटर में हमें जो है टाइप करना है। ओके, जैसे आपने किया फिर देन आपको इस पर जो है आपको इस पर सेव कर देना है। ओके, इधर सिम कार्ड नेम में आपको GUX95V2 को सेव कर देना है। सिम कार्ड नंबर तो वही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस पॉइंट नेम में आपको जाना है। एक्सेस पॉइंट नेम अगर आप में ऑप्शन होगा नहीं, तो जो ऑप्शन अभी इसमें आपको मिलेगा वो जो है आप में ये सारे इंटरफेस आपके सामने ऑटोमेटिक शो करेंगे। फिर इस पर जियो पे आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना है, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आया नेम का, तो नेम में आपको इंटरनेट है, फिर आपको यहाँ पर जियो, ओके जियो एक्स एंड 95, फिर आपको थोड़ा सा गैप करना है, फिर बी, बी के बाद जो है आप 2 टाइप करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर आप ओके कर देंगे। नेम में APN का जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये तो आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नेम कंप्लीट हो गया, अब APN की बारी। ओके, तो फिर आपको APN पे क्लिक करना है। ओके, APN पे आपका जो जियो नेट है, ओके तो जियो नेट आपका लिखा रहेगा, लेकिन आपको जियो इसमें गैप करना है। आपका जो सिम से 4G, जियो 4G इंडिया, सिर्फ IND टाइप कर दीजिए, हो जाएगा, सिर्फ जियो 4G IND इंडिया का, ये जो है आपको टाइप कर देना है। ओके, इस सेटिंग को आपको जो है कर लेना है। ओके, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये 2 सेटिंग आपको ज़रूरी करना है। फिर आगे चलते हैं, तो इधर मैं आपको कुछ यूज़र नेम सेट नेम मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि यूज़र नेम में आपको क्या सेट करना है। इधर पोल्ड ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉक्सी नॉट सेट, इसका कोई मतलब नहीं है, पोल्ड का भी कोई मतलब नहीं है, यूज़र नेम में आपको सेट करना पड़ेगा। तो यूज़र नेम पर आपको जो है सिंपली क्लिक करना है। यूज़र नेम पर आपको जियो नेट डालना है, करेक्ट, जियो नेट, ओके जियो नेट आपको जो है टाइप करके ओके पे क्लिक कर देना। ओके, जियो नेट डालेंगे, यूजर नेम आपका ये भी हो गया, ठीक है। पासवर्ड नॉट सेट, ये ठीक है, लेकिन आपको सर्वर सेट करना पड़ेगा। सर्वर में आप क्या सेट करेंगे, सर्वर में आपको सेट करना है जियो, आपका जियो का सिम है तो आपको इसे इसका www.jio.com, ओके ये जो है आपको ओके क्लिक कर देना। ओके, ये आपके जो मैंने यही सेटिंग्स, बाकी सब बाय डिफॉल्ट आपके सब ठीक हैं, बस आपके मैंने जो ये सेटिंग एंड देन यूज़र नेम एंड ये सर्वर, ये आपको ये जो 4 मैंने आपको बताएं इसको आपको सेलेक्ट करना है, तभी आपका 80 MBPS के ऊपर जो है आपका नेटवर्क भागेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर देना। धन्यवाद।